हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेरिश और आज की वीडियो का टॉपिक है नेजोलेबियल फोल्ड। बेसिकली व्हाट इज नेजोलेबियल फोल्ड? डिस्टेंस बिटवीन द चीक्स एंड नॉस्ट्रल्स, जो एक डायगोनल सी लाइन या जिसको आप रिंकल कहते हैं समटाइम्स, इसको हम नेजोलेबियल फोल्ड कहते हैं। इसकी कॉजेज क्या है या टाइप्स क्या है और क्लिनिकली क्या ऑप्शन है इसको ट्रीट करने के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन कॉज कैन बी ड्यू टू द लैक ऑफ द वॉल्यूम इन पैरानेजल रीजन बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द केनाइन फोसा। इस जगह पे क्योंकि वॉल्यूम की कमी हो जाती है, सुपरफिशियल फैट कम हो जाता है विद एजिंग, तो एक तो ये रीजन हो सकती है नेजोलेबियल फोल्ड की। सेकेंड क्या कॉज हो सकती है? ड्यू टू अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फैट पैड्स। येस, बिकॉज ऑफ द एडवांसिंग एज, अब होता क्या है कि आपका जो सुपरफिशियल फैट होता है नेजोलेबियल फोल्ड पे, उसकी जो वॉल्यूम है उस फैट का, वो कम होना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट वहाँ पे स्किन जो है वो बल्ज के फॉर्म में आपके फोल्ड के ऊपर जो है हैंगिंग फॉर्म में जो है गिरना शुरू हो जाती है। सो दिस कैन ऑल्सो बी द कॉज। एंड समटाइम्स आपका जो नॉस्ट्रल के नीचे एक चीक फैट पैड पड़ा हुआ है, उसकी वॉल्यूम डिसऑप्शन की वजह से भी जो है हमें एक स्टेयर लाइक अपेयरेंस शुरू हो जाती है। बिकॉज जब हम यंग होते हैं तो हम जस्ट उस फोल्ड को या उस क्रीज को नोट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर एक्सप्रेशंस, क्योंकि जब हम हंस रहे होते हैं तो तब वो हमें फोल्ड नजर आ रहा होता है। बट एज यू गेट ओल्डर, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी फेशियल एक्सप्रेशंस यू कैन अप्रिशिएट दैट फोल्ड। आपको लगता है कि पहले जब मैं यंग थी तो तब इतना नोटिसेबल नहीं था, बट अब ड्यू टू लैक ऑफ एक्सप्रेशंस भी वो एक स्टैटिक सा फोल्ड जो है आपको नजर आ रहा होता है, एक स्टेयर लाइक अपीयरेंस शुरू हो जाती है। सो फैट की अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, या इन सिंपल वर्ड्स विद एडवांस एजिंग जो है ये फोल्ड बन सकता है। थर्ड क्या कॉज हो सकती है? थर्ड कॉज हो सकती है ड्यू टू रेपिटेटिव मसल मूवमेंट्स। यस, क्यूटेनियस मस्कुलर अटैचमेंट, यानी कि वो वाले मसल्स जो आपको स्माइल में हेल्प करते हैं, ये जिनको हम एलिवेटर मसल्स कहते हैं, जाइगोमैटिक माइनर एंड देन LLSAN, दीज ऑल मसल्स दे जस्ट पुल योर स्किन व्हेन यू स्माइल। सो जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी स्किन को पुल करते हैं, और ड्यू टू रेपिटेटिव एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स होता क्या है कि यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंटली रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से वो क्रीज कॉज कर देते हैं। सो दिस इज द रीजन आई डोंट एडवोकेट फेशियल योगा और मस्कुलर जो फेशियल एक्सरसाइजेस होती हैं, बिकॉज दे डोंट डू एनी गुड। बेसिकली दे हार्म मोर बिकॉज ऑफ द रेपिटेटिव फेशियल एक्सप्रेशन, दे एड मोर क्रीजिंग इन योर फेशियल एक्सप्रेशन। सो वी विल हैव अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक इंशाल्लाह। सो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द कॉजेस, एक तो ये हो गया कि मसल्स की रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से, फैट की अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब होता क्या है कि समटाइम्स इन कॉजेस की वजह से वी नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट कि हमने उसके जो फैट की वजह से बना है नेजोलेबियल फोल्ड को लिफ्ट करना है, या फिर हमें उस रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से वहाँ पे फिलर को जो है फिल आउट करना है उस क्रीज को, या फिर वी नीड टू यूज सम अदर मोडेलिटी टू हैव द कॉलेजन रीजनरेशन ऑन दैट एरिया। सो वी ऑलवेज नीड टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द नेजोलेबियल फोल्ड एंड देन वी विल सेलेक्ट द ट्रीटमेंट ऑप्शन। हेयर आई गॉट सम फ्यू पिक्चर्स, मे बी मैं इतने टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रही हूँ तो आपको मेरी बात कितनी समझ ना आए, तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने अपनी टैब में कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की आपको ये बताने के लिए कि बचपन से ही हम सब में नेजोलेबियल फोल्ड होता है, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। सो यू नो शी गॉट द फोल्ड एंड शी इज स्माइलिंग एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर एक्सप्रेशंस एंड इट इज वेरी एसेंशियल पार्ट। मुझे समटाइम्स पेशेंट्स कहते हैं कि बिल्कुल नजर ना आए ये लाइन बिल्कुल, इवन आफ्टर गेटिंग द फिलर दे आर रिक्वेस्टिंग कि लाइन बिल्कुल गायब हो जाए। सो मैं उनको हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि इंसानों में इट क्रिएट्स अ ब्यूटी एंड इट क्रिएट्स योर एक्सप्रेशंस एंड एनिमेशंस। सिर्फ एप्स जो होते हैं उनका जो है नेजोलेबियल फोल्ड नहीं होता। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। देन आई विल शो यू सम अदर पिक्चर्स। एज यू कैन सी इन दिस पेशेंट शी लॉस्ट द वॉल्यूम स्पेशली ऑन दिस ट्राइंगुलर बेस नियर द नॉस्ट्रल विद एज। सो शी इज स्माइलिंग एंड हर नेजोलेबियल फोल्ड इज मोर प्रोमिनेंट। सो शी इज अ गुड कैंडिडेट टू गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर नेजोलेबियल फोल्ड।
देन वी हैव दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स टू जिनका बचपन से नेजोलेबियल फोल्ड है, जिनका फेशियल स्ट्रक्चर इस तरह से है. आपने कुछ सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा, दे ऑलवेज हैव दिस वेरी प्रोनाउंस्ड नेजोलेबियल फोल्ड. वाई? बिकॉज जेनेटिकली उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो डिजाइन ही इसी तरह से है. सो जब आप बचपन से एक चीज को उस तरह से देख रहे हैं और अगर आप उसको चेंज कराते हैं या आप उसको ट्रीट कराते हैं तो इट वुड बी वेरी फेक. सो डोंट गो फॉर द ट्रीटमेंट व्हेन यू हैव नेचुरल नेजोलेबियल फोल्ड. सो इन दिस केस दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ बेबी गर्ल हु इज हैविंग अ वेरी नाइस नेजोलेबियल फोल्ड एंड इट क्रिएट्स अ ब्यूटी ऑफ अ स्माइल. सो नाउ एज यू कैन सी शी इज हैविंग अ क्रीज, जिसकी मैं बात कर रही थी कि रेपिटेटिव मसल मूवमेंट की वजह से जो जो है नेजोलेबियल फोल्ड बनता है. सो दिस कैन बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सो शी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट. सो वट आर द ट्रीटमेंट? दिस इज अगेन वेरी प्रनाउंस्ड एग्जाम्पल ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड वेन यू गेट एज. ओके, सो दिस इज अगेन इट सीम्स लाइक मोर जेनेटिकली और मे बी शी इज बॉर्न विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. So what are the treatment options for the nasolabial fold? Number one, filler. अगर वहाँ पे lack of volume की वजह से sometimes we just inject on the piriform fossa just to support the maxilla to have that softening of the fold. Second option, you can go for the monofilaments or the sugar threads because they are going to create all the collagen and elastin, and this is a very good option to soften this part. Third option, when you see a very heavy bulge on this fold, then you can go for the lifting threads because they are going to reposition this mass and going to give a very beautiful lift. So stay tuned for further videos. Thank you.